हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, आईआईटी खड़गपुर की तरफ से एक बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकल के आया है, जिसमें बीबीटेक एमईएमटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं रखा गया है, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू होगा। इसमें आपको सैलरी 34,000 पर मंथ मिल जाएगी। ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं इस वीडियो में डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सी पोस्ट निकल के आया है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर क्या होने वाली है। तो हर एक चीज एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, ये है आईआईटी खड़गपुर का ऑफिशियल वेबसाइट जो आप लोग देख पा रहे हो। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो स्टार्ट करते डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, कोई परमानेंट जॉब नहीं है। इसमें बहुत सारे अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आया है, बट मैं इस वीडियो में कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें फर्स्ट है जूनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर रिसर्च के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। बात कर लेते हैं डिटेल्स पोस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको सैलरी 20,000 पर मंथ मिल जाएगी। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीबीटेक करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपके बीबीटेक में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। इसमें फर्स्ट आपको इनिशियली 1 साल के लिए हायर किया जाएगा और उस 1 साल में आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स रखा गया है और एप्लीकेशन फी 100 रुपीज रखा गया है। बैंक का डिटेल्स यहीं पे मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग आपके हिसाब से उसका डिटेल्स चेक कर लेना। नेक्स्ट है सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर रिसर्च के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीबीटेक या तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में से 2 साल का एमईएमटेक करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसमें आपको सैलरी 34,000 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें फर्स्ट आपको इनिशियली 1 साल के लिए हायर किया जाएगा और उस 1 साल में आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और उसके अलावा अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो वो पीएचडी में भी कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स रखा गया है और एप्लीकेशन फी 100 रुपीज रखा गया है। एप्लीकेशन फी सबमिट करने के लिए बैंक का डिटेल्स यहीं पे मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग आपके हिसाब से उसका डिटेल्स चेक कर लेना। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर रिसर्च के लिए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीबीटेक करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपका बीबीटेक में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। इसमें आपको सैलरी 20,000 पर मंथ मिल जाएगी। और इसमें फर्स्ट आपको इनिशियली 1 साल के लिए हायर किया जाएगा और उस 1 साल में आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स तक रखा गया है। एप्लीकेशन फी 100 रुपीज रखा गया है। एप्लीकेशन फी सबमिशन के लिए बैंक का डिटेल्स यहीं पे मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग आपके हिसाब से इसका डिटेल्स चेक कर लेना। और अगर आप लोग फीमेल कैंडिडेट हो तो हर एक पोस्ट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, कम्प्लीटली फ्री है फीमेल कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में। तो फ्रेंड, सिलेक्शन प्रोसीड्योर में यहीं पे वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। वॉक इन इंटरव्यू का डेट, टाइमिंग और वेन्यू आपको ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसीड्योर के बारे में। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन प्रोसीड्योर यहीं पे ऑनलाइन रखा गया है। आप लोग जो भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके राइट साइड में आप लोग एक अप्लाई ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट आपको रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट आप लोगों को आपका ईमेल आईडी फिल करना होगा। उसके बाद आप लोगों को कोई भी एक पासवर्ड चूज करना होगा। नेक्स्ट आपको आपका डेट ऑफ बर्थ यहीं पे फिल करना होगा। और उसके बाद आपको रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद आपको आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड यहीं पे फिल करके लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी, और उसके बाद आप लोग आपके हिसाब से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, हर एक पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए लास्ट डेट रखा गया है December 14, 2021। तो फ्रेंड्स, ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन और वीडियो का डिटेल्स। मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपका कुछ डाउट्स या तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया
तो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस बना के यूट्यूब में अपलोड करता हूँ उसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। अगर आप लोग कोई भी नोटिफिकेशन मिस कर देते हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, आप लोगों को भी फायदा मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहां से चेकआउट कर लेना। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करे, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।